हेलो एवरीवन, आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड। स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल पर। भैया, हमारी इंटीग्रेशन सीरीज़ का लेक्चर नंबर 8 है। लास्ट सेशन में हम लोगों ने सब्स्टिट्यूशन को इंट्रोड्यूस किया था। सब्स्टिट्यूशन के ऊपर मल्टीपल प्रॉब्लम्स किए थे और काफ़ी सारे प्रॉब्लम्स आप लोगों को घर से करने के लिए भी दिए थे। होपफुली आप लोगों ने किए होंगे। और लास्ट क्लास में हमने ये भी सीखा था कि सब्स्टिट्यूशन करते कैसे हैं, उसके बारे में सोचा कैसे जाता है। तो आज उसी सेशन को थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं, सब्स्टिट्यूशन को और आगे लेके चलते हैं। और आज के सेशन में ना हमारा ये बेसिक इंटीग्रेशन खत्म हो जाएगा। देखिए, जनरली मैं आप लोगों को बता दूं कि हमें इंटीग्रेशन में पढ़ना क्या है। पहले क्या क्या पढ़ना है हमें वो बता देता हूँ। सबसे पहला टॉपिक था सिंपल इंटीग्रेशन, सेकेंड इंटीग्रेशन using substitution, perfect square, और जो जो मैं पढ़ाने वाला हूँ मेरे हिसाब से जो जो सिलेबस में है। परफेक्ट स्क्वायर को लोग पर्टिकुलर फंक्शंस भी बोल दे रहे हैं, कोई बात नहीं। जब हम कराएंगे तब आपको पता लग जाएगा कि मैं किस चीज़ की बात कर रहा हूँ। जब मैं कराऊंगा तो आप लोगों को डेफिनेटली आइडिया हो जाएगा कि किस चीज़ की बात हो रही है। नंबर चार, पार्शियल फ्रैक्शंस। नंबर फाइव, सम स्पेशल टाइप ऑफ इंटेग्रल्स। इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। एंड लास्ट, मिसलेनियस। मिसलेनियस का मतलब मिसलेनियस एक्सरसाइज नहीं है। मिसलेनियस का मतलब मिला जुला, मतलब कहीं से भी उठ के आ जाएगा। अलग अलग तरह के सवाल जिनका ना कोई सर है ना कोई पैर है, वो इस कैटेगरी में कर लेंगे। तो अभी हम लोगों ने यहाँ पर कर चुके हैं सिंपल इंटीग्रेशन, हम कर चुके हैं इंटीग्रेशन यूजिंग सब्स्टिट्यूशन। हम लोग कर रहे हैं, मोस्ट प्रॉब्ली आज हम उसको वाइंड अप कर देंगे। तो भाई, ये जो दो पोर्शन है ना इंटीग्रेशन में, इनडेफिनिट इंटीग्रेशन की बात हो रही है, ये जो पोर्शन है ना, यही सबसे टफ पार्ट है इसको सीखने का, क्योंकि यहीं से बच्चे की नॉलेज बिल्ड होती है, यहीं से बच्चे की थिंकिंग एबिलिटी काम करती है कि सोचना कैसे है, क्वेश्चन को स्टार्ट कैसे करना है। तो जैसे लिखा है ना पहला टॉपिक सिंपल इंटीग्रेशन, तो याद रखना सिंपल इज नॉट सिंपल हेयर, सिंपल ही सबसे मुश्किल है। इसी को ही सीखने में आपको समय लगता है, इसी को ही सीखने में हमें समय लगाना है। और हालांकि हमने इस पर अच्छे खासे 5-6 लेक्चर लगाए हैं और आप लोगों को इसका लगभग आइडिया भी हो गया होगा। अब हम सीख रहे हैं इंटीग्रेशन यूजिंग इन सब्स्टिट्यूशन, तो ये भी सबसे इंपॉर्टेंट टूल है। तो इन्हीं दोनों टूल्स को समझने के लिए दिमाग भी ज़्यादा लगाना पड़ता है, समय भी ज़्यादा लगाना पड़ता है, क्योंकि हम बेस बना रहे होते हैं। उसके बाद ये जो चीज़ें हैं ये सब तो ऐसे हो जाएंगी आपको पता भी नहीं चलेगा कि कैसे हो गई। जनरली लोगों को नीचे दिक्कत आती है, ऊपर वाला लोग मैनेज कर लेते हैं, लेकिन जो मैं कह रहा हूँ ऊपर वाला ही खास है, क्योंकि यही हमारी फाउंडेशन तैयार करेगा। जब हमारी फाउंडेशन तैयार होगी तो कितनी भी ऊंची बिल्डिंग खड़ी कर लो, ऊपर कोई परेशानी होने नहीं वाली। तो आज हम इसको वाइंड अप कर देंगे मेरे हिसाब से, मतलब जिस तरीके से मैं इंटीग्रेशन पढ़ाता हूँ, आज हम इसको वाइंड अप कर देंगे। फिर नेक्स्ट सेशन में परफेक्ट स्क्वायर ये सब चलता चला जाएगा, पता भी नहीं चलेगा आपको कि किस तरीके से हो जाएगा। ठीक है, अभी मैं आपको बता दूँ ये तीन टॉपिक आप देख लीजिए। मैं थोड़ा सा डिस्कशन करूँ, 2-4 मिनट फालतू ले रहा हूँ तो बुरा नहीं मानिएगा। परफेक्ट स्क्वायर, पार्शियल फ्रैक्शन, सम स्पेशल टाइप ऑफ इंटीग्रल्स। देखिए भाई, सीबीएसई बोर्ड 2011-12 में इसी का सवाल था। 11-12 में पार्शियल फ्रैक्शन बताते हैं अभी, सम स्पेशल टाइप ऑफ इंटीग्रल्स 13 में सवाल मिला, 14 में सवाल मिला, 15 में एक मिक्स सा सवाल था, 15 में नहीं था। अब 2016 से ना ये टॉपिक पार्शियल फ्रैक्शन 2016 में आया, 2017 में आया, 2018 में आया, 2019 में आया, 2020 में आया, 2021 में पेपर नहीं हुआ, 2022 में आया और 2023 में आया। अब बताओ, इसके अलावा और कोई सबूत की ज़रूरत तो है ही नहीं। 16 और 17 में तो क्वेश्चन लगभग सेम था, 16, 17, 18, 19 के अंदर सेम ही चीज़ करनी थी, जो क्वेश्चन आया था ना सेम साई था, साइन को टी पुट करना था, डेरिवेटिव ऊपर था। जब कराएंगे तो दिखाएंगे, ये मैं दिल्ली रीजन वाले पेपर की बात कर रहा हूँ, ऑल इंडिया की बात नहीं हो रही, दिल्ली रीजन वाले पेपर की बात हो रही है। अभी जब आपको पी वाई क्यूज कराए जाएंगे तब मैं बताऊंगा ये क्या कहना चाह रहा हूँ मैं। ये देखिए, इतना पूछा जाता है, तो इन तीन टॉपिक्स में से एक क्वेश्चन आना लगभग ऐसा ही रहता है कि इन तीन में से एक मिलेगा। अब ये
इस टॉपिक पे सम स्पेशल टाइप ऑफ इंटीग्रेशन पे जो बड़ा सवाल 4 मार्क का आया करता था, अब वो सिलेबस में नहीं है, तो इससे छोटा ही सवाल बन सकता है सम स्पेशल टाइप ऑफ इंटीग्रल से, और इसका इस्तेमाल हो जाता है चैप्टर 8 में भी होता है, चैप्टर 9 में भी होता है, तो ये वहां इस्तेमाल आ जाएगा। तो मतलब इस एक्सरसाइज से सवाल आने के चांसेस खत्म हो गए, बड़े सवाल आने के चांसेस खत्म हो गए। अब ले देखे ये दो टॉपिक रह गए ना, परफेक्ट स्क्वायर और पार्शियल फ्रैक्शन, इनमें से एक सवाल आपको कन्फर्म मिल जाएगा। मतलब अगर इंटीग्रेशन आपके पेपर में, जैसे भी दिल्ली रीजन में 11 मार्क का इंटीग्रेशन आया था, मैंने आप लोगों को दिखाया भी, देखिए मेरे पास लिखा हुआ है, मैं एक बार देख लेते, मेरे पास लिखा हुआ है पेपर में, इंटीग्रेशन दिल्ली रीजन में ऐसा आया था 1+1+1+3+5, तो ये 3 नंबर का सवाल पार्शियल फ्रैक्शन का था। तो आप सोच के देखिए ना, अगर 11 मार्क का भी इंटीग्रेशन आता है तो 3 मार्क तो लगभग आपको मिले मिलाए हैं, और जैसे उसमें आपका ऑल इंडिया में 3-3 मार्क के 3 क्वेश्चन आए थे, तो मतलब आपको अगर 8 या 9 मार्क का इंटीग्रेशन है तो 3 मार्क आपको पता रहेंगे कि इन दोनों टॉपिक में से 1 क्वेश्चन मिलेगा, और ज्यादा चांस इसी के रहते हैं। तो आगे का जो भी इंटीग्रेशन का सफर है वो इतना इजी, इतना स्मूथ हो जाएगा, आपको पता भी नहीं चलेगा। तो इसीलिए जिस तरीके से आप लोगों को कराया जा रहा है, मेरे साथ जुड़े रहिए, जो बातें मैं कह रहा हूँ ना आप लोगों को, आपको अभी समझ नहीं आएंगी, जो बातें मैं बोल रहा हूँ आप लोगों को अभी समझ नहीं आएंगी, ये समझ आ जाएंगी जब आप पेपर वेपर में बैठोगे ना, आप लोगों को आइडिया हो जाएगा कि उस दिन पे सर क्या बोल रहे थे। देखिए भाई, बहुत सालों से पढ़ा रहे हैं, कोई नया शुरू नहीं किया है पढ़ाना, बरसों से पढ़ा रहे हैं ऑफलाइन कोचिंग्स में, लगभग मुझे 16 साल का एक्सपीरियंस है, 2008 से मैं पढ़ा रहा हूँ, सो बरसों का एक्सपीरियंस है, तो बेनिफिट लीजिए उस एक्सपीरियंस का। ठीक है भाई, स्टार्ट करते हैं विदाउट वेस्टिंग एनी काइंड ऑफ टाइम। तो देखिए भाई, लास्ट सेशन में हम लोगों ने सब्स्टिट्यूशन इंट्रोड्यूस किया था, कुछ बेसिक प्रॉब्लम किए थे, आज सब्स्टिट्यूशन को एक नया आयाम देते हैं, एक स्टेप और आगे लेके चलते हैं, और आज आपको टिप्स और ट्रिक्स बता देंगे, कुछ ट्रिक्स कुछ ऐसी कि 90-95% क्वेश्चन में आपको देख के पता लग जाएगा कि सब्स्टिट्यूशन से हो रहा है कि नहीं हो रहा है, आपके सब्स्टिट्यूशन के एक्सपीरियंस को एनहांस कर देगी ये चीज जो मैं सिखाऊंगा आपको। अभी पहले नॉर्मली स्टार्ट करते हैं, एक बेसिक सवाल से शुरू कर रहा हूं जो लास्ट क्लास में भी कराया था, बिल्डअप तो चाहिए ना अपने को भी। हाँ जी, प्रोडक्ट है, इस फॉर्म में तो इंटीग्रेट नहीं कर पाओगे, तो प्रोडक्ट को अवॉइड करना पड़ेगा, अवॉइड करने के लिए मल्टीप्लाई या फॉर्मूले का इस्तेमाल करते हैं, ना मल्टीप्लाई ना फॉर्मूला कुछ भी नहीं लग रहा, तो फिर हमने बोला था जब सारे रास्ते बंद होंगे तो सब्स्टिट्यूशन का रास्ता खोल लो। सब्स्टिट्यूशन क्या सिखाती है कि एक ऐसी चीज ढूंढो जिसका डेरिवेटिव अवेलेबल है, तो आप देखिए यहाँ पे किसका डेरिवेटिव अवेलेबल है, तो मुझे 10x का डेरिवेटिव अवेलेबल है, कितना, sec square x, तो आप यहाँ पे 10x को सब्स्टिट्यूट कर सकते हो, तो मैं कर दे रहा हूँ, पुट 10x is t, 10x का डेरिवेटिव sec square x dx is dt, तो देखिए मेरे फंक्शन में क्या चेंज हुआ, 10x तो t हो गया, sec square x dx मेरा dt हो गया, तो दिस इज t dt, आंसर आ गया t square by 2, t पुट करो काम खत्म। अगला देखो, 2-3 क्वेश्चन बेसिक याद दिलाता हूँ तब आगे बढ़ते हैं। परफेक्ट है जी, परफेक्ट है, क्वेश्चन देखिए, सब्स्टिट्यूशन पहचानिए, अरे भाई 10x का डेरिवेटिव sec square x होता लिखा तो है, और इसे डिवाइड वाला रूट एक्स, सब मैनेज हो जाएगा, आप देखते तो रहो, 10 का डेरिवेटिव sec square मिल रहा है ना, तो आइए पुट कीजिए 10√x को t, तो 10√x का डेरिवेटिव sec square रूट एक्स, फिर किसका डेरिवेटिव करना पड़ेगा, रूट एक्स का, सो रूट एक्स का डेरिवेटिव होता है 1/2√x dx is dt। अब अपने को sec square रूट एक्स बाय रूट एक्स तो चाहिए, इस 2 का रिक्वायरमेंट नहीं है, तो उधर फेंक दो, सो मुझे क्या मिला, sec square root x upon root x dx is 2dt, तो देखिए therefore i क्या बना, 10 root x को तो आपने t बुला लिया, ये जितना पोर्शन है ये आपका 2dt हो गया, तो 2 को बाहर रखो, dt को अंदर, सो दिस इज t का पावर 1, तो ये हो गया आपका t square by 2 प्लस में c, 2 से 2 कैंसिल कर दो, t का वैल्यू डालिए, आपका आंसर आ जाएगा, तो इस तरीके से कर सकते हैं। क्वेश्चन लिख लीजिए, मतलब सिर्फ क्वेश्चन लिख लीजिए, सॉल्यूशन खुद बना लेना या स्क्रीनशॉट ले लीजिए, बाद में जो कर रहा हूं वो कर लेना, हटा रहा हूं मैं इसको। चलिए भाई, अब आज वाले सेशन की कहानी को स्टार्ट करते हैं। देखिएगा, पहला सवाल, अब कोई कहेगा सर ये कहां आज वाला, ये तो कल वाला ही तो है, कोई बात नहीं, आइए देखते हैं। हाँ भाई, सब्स्टिट्यूशन का मतलब किसी का डेरिवेटिव ढूंढना, नजर तो आ रहा है, साइन का डेरिवेटिव कॉस,
अपनी नजर एकदम तेज कर लो कि डेरिवेटिव नजर आ जाने चाहिए आपको, डेरिवेटिव तलाश लेने हैं आप लोगों ने। तो यार साइन का डेरिवेटिव कॉस बैठा है बाजू में, तो मतलब हम यहाँ पे क्या करेंगे, साइन एक्स को टी पुट कर देंगे। तो जरा साइन से पूछ लो भाई, तेरे बाजू में वन बैठा है क्या, उसको भी ले सकते हैं? हाँ जी ले सकते हैं, क्यों? क्योंकि वन का डेरिवेटिव जीरो हो जाएगा, वन जीरो हो गया, साइन एक्स का डेरिवेटिव कॉस एक्स डी एक्स इज डी टी, एंड यू नो द रेस्ट। आगे क्या होना है, ये पूरा पोर्शन टी हो गया, कॉस एक्स डी एक्स आपका डी टी हो गया, आंसर आ गया टी स्क्वायर बाय टू, प्लस में सी टी का वैल्यू डालेंगे आंसर आ जाएगा। लेकिन सवाल में इसमें चेंज कर रहा हूं थोड़ा सा, देखिए सवाल में चेंज है ये, वन प्लस साइन स्क्वायर एक्स कॉस एक्स, अब किसका डेरिवेटिव मौजूद है, अब भी साइन एक्स का ही मौजूद है। पावरों में मत जाया करो, कई बच्चों को लगता है कि सर साइन स्क्वायर एक्स को टी रख दो, आओ जरा इधर आओ साइड में जरा, साइन स्क्वायर एक्स का डेरिवेटिव क्या होगा, पावर आएगी आगे एक पावर हो जाएगी कम, और साइन एक्स का डेरिवेटिव होता है कॉस एक्स, ये तो साइन टू एक्स बन गया। यार साइन स्क्वायर एक्स का डेरिवेटिव तो साइन टू एक्स होता है, तो साइन स्क्वायर एक्स को थोड़ी टी रखेंगे, क्योंकि साइन टू एक्स थोड़ी अवेलेबल है, अपने पास क्या अवेलेबल है, कॉस एक्स। तो मतलब पावरों में मत जाया करो जल्दी से, पहले तो पावर के अंदर है उस फंक्शन को देखो ना, किसको टी रख सकते थे हम, साइन को, क्योंकि यहाँ आपके पास दो ऑप्शन थे, तो साइन को टी रख के देखोगे या फिर साइन स्क्वायर को, तो पहले अंदर वाले को रख के देख लो ना, पावर के अंदर वाले को, साइन का डेरिवेटिव क्या होता है कॉस एक्स, तो कॉस एक्स यहाँ बाजू में दिया हुआ है तो सब्स्टिट्यूट हो जाएगा। आइए जरा पुट साइन एक्स टी, अब सोच के जवाब दो, क्या मैं वन को साथ में लिख सकता हूं कि नहीं लिख सकता, जैसे पिछले क्वेश्चन में वन लिख लिया था, क्योंकि वन लिख लोगे तो वन का डेरिवेटिव जीरो हो जाएगा। अब मैं आपसे पूछ रहा हूं, क्या इस वन को साथ में लिख सकते हैं कि नहीं, तो मैंने आपको क्या टेक्निक बताई थी, इससे पूछ लो कि वन को साथ में लिख सकते हैं कि नहीं। तो देखिए इस क्वेश्चन में वन को साथ में नहीं लिखा जा सकता, क्यों नहीं लिखा जा सकता, ध्यान से सुनना। पिछले क्वेश्चन में जो मैंने इससे पिछला एग्जाम्पल दिखाया था, मैंने कहा आप साइन एक्स को टी रखो, इस साइन से पूछो कि भाई वन को ले लें साथ में, तो वो कह रहा है वन को ले लो साथ में, तो वन ले सकते थे। लेकिन यहां पे क्या समस्या है, आप टी किसको रहे हो रख रहे हो, साइन एक्स को, लेकिन वन साइन एक्स के साथ थोड़ी है, वन तो साइन स्क्वायर के साथ है ना, वन तो साइन एक्स के साथ है ही नहीं, तो इसका मतलब आप वन को ले ही नहीं सकते। वन तब ले सकते थे जब वन साइन के साथ हो, लेकिन वन साइन के साथ थोड़ी लिखा है, वन तो साइन स्क्वायर के साथ लिखा हुआ है, तो अब परमिशन साइन से थोड़ी मांगनी पड़ेगी, अब परमिशन साइन स्क्वायर के साथ से मांगनी पड़ेगी कि भाई इसको ले ले, तो जो वन है वो साइन स्क्वायर के साथ है, साइन के साथ थोड़ी है, तो इसीलिए यहां पे वन को कंसिडर नहीं कर सकते। हाँ वन उस केस में कंसिडर हो जाता, मान लो मैं साइन स्क्वायर एक्स को टी ले लू, साइन स्क्वायर एक्स को टी ले लू, तो क्योंकि साइन स्क्वायर एक्स के साथ वन भी बैठा हुआ है, तो आप वन को भी टी में कंसिडर कर सकते थे और वन का डेरिवेटिव जीरो हो जाता, लेकिन यहां पे नहीं कर सकते क्योंकि वन साइन के साथ थोड़ी है, वन तो साइन स्क्वायर के साथ है। तो ये मैंने आपको लास्ट सेशन में बताया था ना कि हर बार नहीं ले पाओगे वन को, ये वो स्टाइल है कि जब आप नहीं ले पाओगे, अभी और मल्टीपल एग्जाम्पल करेंगे सब क्लैरिटी आ जाएगी। आइए डेरिवेटिव कीजिए, कॉस एक्स डी एक्स तो डी टी हो गया, अंदर आ जाओ, वन तो ऐसे ही रहा, साइन एक्स टी हो गया, तो दिस इज वन प्लस टी स्क्वायर, वन का इंटीग्रेशन कितना होता है टी, टी स्क्वायर का इंटीग्रेशन हो गया आपका टी क्यूब बाय थ्री प्लस में सी, टी का वैल्यू डालिए काम हो गया भाई, वन का इंटीग्रेशन टी के रिस्पेक्ट में टी ही तो होगा, जब वन का इंटीग्रेशन एक्स के रिस्पेक्ट में एक्स होता है तो टी के रिस्पेक्ट में टी हो जाएगा, एज सिंपल एज दैट, बिल्कुल बढ़िया है, आराम से हो जाएगा। आइए अब देखिए सवालों का लेवल, देखिए किस तरीके से बढ़ाएंगे हम आगे, अभी रुक जाना, फरमाइए भाई इस सवाल को फरमाइए, टेन एक्स को टी रखेंगे डेरिवेटिव बाजू में बैठा, चेक कर लो, टेन एक्स को टी रखेंगे डेरिवेटिव बाजू में बैठा है, अब देखिए ये सवाल, ये एक तरह का प्रोडक्ट है, इस फॉर्म में तो आप इंटीग्रेट नहीं कर पाओगे, तो क्या करें, हमें सब्स्टिट्यूशन सोचनी पड़ेगी, तो टैन का डेरिवेटिव होता है सेक स्क्वायर, बट यहां तो सेक क्यूब बैठा है, तो टैन को टी नहीं रख सकते क्योंकि टैन का डेरिवेटिव सेक स्क्वायर होता है और यहां पे कौन बैठा है, सेक क्यूब, तो टैन का ऑप्शन चला गया। दूसरा ऑप्शन क्या है, सेक का डेरिवेटिव क्या होता है, सेक एक्स टेन एक्स, तो सेक एक्स टेन एक्स यहां पर क्रिएट किया जा सकता है, आओ जरा मैं करता हूं,
देखो जरा, ये 3 10 है तो एक 10 बाहर कर लिया इसमें से मैंने, ये 3 सेके हैं तो एक सेक बाहर कर लिया मैंने, और यहां लिख लिया मैंने बाजू में sec x tan x, कोई दिक्कत? देखो ना, ये 10 इसमें मल्टीप्लाई होके 10 क्यूब देगा, sec इसमें मल्टीप्लाई होके sec क्यूब देगा, बिल्कुल परफेक्ट है, कोई दिक्कत? अब किसका डेरिवेटिव दिख रहा है आप लोगों को? sec x का, कि भाई sec x को t रखोगे, डेरिवेटिव ये बैठा, ये तो t हो जाएगा, बट ये परेशान करेगा ना, आप t किसको रख रहे हो? sec को, ये तो t स्क्वायर हो जाएगा, लेकिन ये 10 स्क्वायर आपको दुखी करेगा, तो इस 10 स्क्वायर को sec स्क्वायर में कन्वर्ट कर लो। कैसे? यहां देखिए, इस 10 स्क्वायर को लिख लो आप sec स्क्वायर x माइनस 1, लिखा जा सकता है, बाहर क्या लिखा हुआ है? sec स्क्वायर x, और पीछे क्या लिखा हुआ है भाई? sec x tan x dx, हो गया काम। अब आप पुट कीजिए sec x को t, अब सोचिए क्या ये 1 लिया जा सकता था साथ में? नहीं ले सकते थे, क्यों? क्योंकि ये 1 sec x के साथ थोड़ी है, ये 1 sec x के साथ नहीं है, ये 1 sec square के साथ है, तो इस 1 को तो आप कंसीडर ही नहीं कर सकते, तो सिर्फ sec x को t लेना है। sec x का डेरिवेटिव क्या होगा? sec x tan x dx is dt, तो आप देखिए जरा, ये तो dt में निकल गया पूरा, ये हो गया आपका t square minus 1, बाहर ये बैठा है t square, और ये पूरी चीज हो गई आपकी dt। अब आपको इसका इंटीग्रेशन करना है, तो कैसे करेंगे? इसको अंदर मल्टीप्लाई कर दो, तो अंदर हो गया t का पावर 4 माइनस t का पावर 2 dt। अब आप इसका इंटीग्रेशन कर दो, t 4 का इंटीग्रेशन t 5/5 माइनस t क्यूब बाय 3 प्लस में c, t का वैल्यू डालिए, काम हो गया। कितना बढ़िया लाजवाब सवाल है, आराम से करिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, एक लेवल और अब चलते हैं, ध्यान से सुनना मेरी बातें। देखो भाई, हमने आप लोगों को पीछे साइन का और कॉस का इवन पावर डिस्कस कर दिया था पिछले सेशंस में, साइन स्क्वायर निकाल लिया आपने, साइन 4 निकाल लिया आपने, सिमिलरली आपने कॉस स्क्वायर कॉस 4 भी निकाल लिया, तो आज साइन और कॉस के हम ऑड पावर्स को डिस्कस करेंगे, कि साइन के ऑड पावर को कैसे निकाला जाता है, कॉस के ऑड पावर को कैसे निकाला जाता है। तो मैं साइन के पावर सिखा रहा हूँ, कॉस के पावर आप होमवर्क बनाइएगा। आइए पहला एग्जाम्पल, हम साइन क्यूब एक्स का इंटीग्रेशन करेंगे, घर से कॉस क्यूब एक्स बनाना आप। अब देखो, जब भी साइन का और कॉस का ऑड पावर आपको मिले इंटीग्रेशन करने के लिए, तो करना क्या है, टेक्निक बता रहा हूं। एक साइन अलग कर लो हमेशा, एक साइन अलग हो गया, एक साइन मतलब एक पावर को अलग कर लो। अब ये जो साइन स्क्वायर एक्स लिखा है, इस पर बचपन वाला फॉर्मूला लगा लो, साइन स्क्वायर एक्स को क्या लिख सकते हैं? 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स, लिख सकते हैं कि नहीं? सर इसका क्या बेनिफिट? इसके बाद ये सब्स्टिट्यूशन हो गई, कॉस एक्स को टी रखो, डेरिवेटिव बाजू में बैठा है, चेक करो कॉस का डेरिवेटिव क्या होता है, माइनस साइन, माइनस माइनस को गोली मारो, कॉस का डेरिवेटिव क्या होता है, साइन, साइन बाजू में बैठा है, माइनस को हम मैनेज कर लेंगे, हो गया काम। तो कभी भी साइन का या कॉस का ऑड पावर आएगा तो क्या करेंगे, एक पावर अलग कर लो, बचे हुए साइन स्क्वायर को 1 माइनस कॉस स्क्वायर लिख लिया, फिर कॉस को टी रखेंगे, डेरिवेटिव ये बैठा बाजू में, आ जाओ पुट कॉस एक्स इज टी। फिर मैं आपसे पूछ रहा हूं, क्या इस 1 को कंसीडर कर सकते हो? नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि 1 कॉस के साथ थोड़ी है, 1 तो कॉस स्क्वायर के साथ है। अगर हम कॉस स्क्वायर को टी रखते तो 1 कंसीडर हो जाता, बट यहां पे तो हम कॉस को टी रख रहे हैं तो 1 को कंसीडर नहीं कर सकते। तो सिर्फ कॉस एक्स इज टी, कॉस का डेरिवेटिव माइनस साइन एक्स डी एक्स इज डी टी, माइनस को वहां फेंक दो, नेक्स्ट स्टेप में फेंक देंगे। चलिए, सो देयरफॉर आई क्या बना, आई पे आ जाओ, 1 एज इट इज रहा, माइनस कॉस तो टी बन चुका है, टी स्क्वायर साइन एक्स डी एक्स माइनस डी टी हो चुका है, माइनस बाहर फेंका, डी टी अंदर ले आए। अब इसका इंटीग्रेशन कर दो, माइनस को बाहर रहने दो, 1 का इंटीग्रेशन टी, टी स्क्वायर का इंटीग्रेशन टी क्यूब बाय 3 प्लस में सी, टी पुट करिए, काम हो जाएगा। तो सिमिलर मैनर में आप क्या बना लेंगे, कॉस क्यूब एक्स, साइन क्यूब एक्स मैंने बना दिया। अब हम पढ़ेंगे साइन का पावर 5, ये तो साइन का ऑड पावर है, ऑड पावर टेक्निक मैंने बताई दी आपको कैसे निकाला जाता है, एक पावर ना इसमें से अलग कर लो, अभी साइन 4 है, साइन 4 को साइन स्क्वायर का स्क्वायर लिख लिया, मन में लिख लेते हैं, साइन 4 इज साइन स्क्वायर का स्क्वायर,
और अंदर वाले साइन स्क्वायर को आप ऐसे लिख लो, इसमें किसी को कोई दिक्कत हो तो प्लीज बता दीजिएगा भाई, ये साइन स्क्वायर एक्स है ना, तो साइन स्क्वायर एक्स का स्क्वायर ऐसा लिख लिया। इसके बाद क्या करेंगे भाई, इसके बाद करेंगे कॉस एक्स को टी पुट करो, डेरिवेटिव ये बैठा, ये वाले स्टेप सेम, पूरा एज इट इज हो जाएगा, कॉस एक्स टी हो जाएगा माइनस साइन एक्स डी एक्स डी टी हो जाएगा, तो साइन एक्स डी एक्स कितना हो जाएगा माइनस डी टी, तो मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ, देयर फॉर आई ये वन है, ये माइनस टी स्क्वायर का होल स्क्वायर, साइन एक्स डी एक्स माइनस डी टी है, तो माइनस बाहर लिख दिया और डी टी अंदर लिख दिया। अब अपनी अंतरात्मा से पूछो इसका इंटीग्रेशन कैसे होगा, सोचो कैसे होगा। अब आप सोच के देखो, जब मैं क्लास स्टार्ट किया था, जब इंटीग्रेशन मैंने आपका, तो मैंने एक शब्द सिखाया था आपको, मैंने बोला था ना जब भी मैं ये वर्ड बोलूंगा एक्सप्रेशन, तो आपके दिमाग में ये पिक्चर बनना चाहिए। सेकेंड लेक्चर में सिखाया था सब मैंने आप लोगों को, नहीं तो पीछे जाके देख लीजिएगा। तो किसी भी एक्सप्रेशन को एक्स की पावर एन कब पढ़ सकते हैं, याद है मैंने बताया था, जब उस एक्सप्रेशन में एक्स का पावर वन होगा। तो क्या इसे एक्स का पावर एन पढ़ सकते हो आप? नहीं पढ़ सकते, क्यों? क्योंकि यहां पे टी स्क्वायर है, तो फिर ये वाला इंटीग्रेशन का फॉर्मूला यहां नहीं लगेगा, ये वाला फॉर्मूला आप नहीं लगा सकते। ये चीज अगर ऐसी होती ना, तो टी का पावर वन है, तो यहां पे एक्स का पावर एन लगाया जा सकता था, और अगर एक्स का पावर एन लगाया जा सकता तो इसका आंसर ये आ जाता आराम से, लेकिन वो काम आप यहां नहीं कर सकते। तो अगर इसे एक्स का पावर एन नहीं पढ़ सकते तो फिर इसे कैसे करेंगे, फिर इसे करेंगे ए माइनस बी होल स्क्वायर खोल के, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस टू ए बी, वन का इंटीग्रेशन टी, टी का पावर फोर हो गया टी फाइव बाय फाइव, और ये हो गया टू टी क्यूब बाय थ्री प्लस में सी। नेक्स्ट स्टेप में माइनस अंदर भेज दो चाहो तो, और टी का वैल्यू डाल दो। तो ये मैंने आपको करा दिया साइन का क्यूब, कॉस क्यूब आप करेंगे, साइन का पावर फाइव कॉस का पावर फाइव आप करेंगे, चाहे तो साइन का पावर सेवन भी निकाल सकते हैं, आराम से निकल जाएगा, एज सच कोई उसमें इशू आने नहीं वाला। तो प्लीज कीजिएगा, कोई इशू आए तो बताइएगा, ठीक है भाई, मैं रब कर दे रहा हूँ, आगे बढ़ते हैं। अब मैंने पीछे दो क्वेश्चंस पेंडिंग छोड़े थे, मैं याद दिलाता हूँ आपको, याद करो जब हम ये वाले सवाल करा रहे थे आपको, टू से मल्टीप्लाई टू से डिवाइड किया था, ये हो चुका था, फोर से मल्टीप्लाई फोर से डिवाइड किया था, ये हो चुका था, ये मैंने पेंडिंग छोड़ा था, तो आज की डेट पे ये हो जाएगा भाई। देखो साइन और कॉस के एंगल सेम है, साइन टू थीटा का फॉर्मूला बनता है, लेकिन यहाँ पे साइन क्यूब है, तो आपको याद होगा मैंने करवाया हुआ है पीछे क्वेश्चन, ढूंढ लीजिएगा जाके। तो इसको एट से मल्टीप्लाई एट से डिवाइड करेंगे, एट का मतलब हो गया ये टू का क्यूब है, साइन का क्यूब है, कॉस का क्यूब है, क्यूब सारे कंबाइन करें, ये साइन टू एक्स हो गया, तो दिस इज साइन टू एक्स का क्यूब डी एक्स। हाँ जी, ये भी कैसे होगा, ऐसे होगा ना जैसे साइन क्यूब एक्स हुआ है, उस तरीके से हो जाएगा। अभी इसे ट्राई कर लीजिएगा, नहीं होगा तो प्लीज पूछिएगा, 7.3 का सवाल है ये, तीन मार्क्स से कम में नहीं आएगा पेपर में आ गया तो, ठीक है, तो कर लीजिएगा ऐसे ही ये वाला कर लीजिएगा। और उस समय पे एक सवाल और पेंडिंग छोड़ा था मैंने, ये वाला, इसमें 32 से मल्टीप्लाई 32 से डिवाइड करेंगे और बाद में साइन का पावर 5 बन जाएगा, तो इस तरीके से टैकल कर लेना, हो जाएगा, ठीक है, प्लीज कीजिएगा, ठीक है भाई, मैं रब कर दे रहा हूं और आगे बढ़ते हैं। अब आइए सब्स्टिट्यूशन के कुछ टिप्स या कुछ ट्रिक्स कह लो, वो सिखाते हैं आपको, क्योंकि यहां से ना आपका सब्स्टिट्यूशन का सफर और आसान हो जाएगा, सोचने के लिए आपको बहुत चीजें मिलेंगी, बहुत क्लैरिटी मिल जाएगी, तो ये आपका सब्स्टिट्यूशन सीखने का एक्सपीरियंस आसान कर देगा। तो ये 90-95% क्वेश्चन में डायरेक्ट काम कर जाएगा, और जिन पांच में नहीं करेगा ना, उसमें आपको ये तो पता लग जाएगा कि डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन नहीं हो रही, कुछ और ही सोचना पड़ेगा, तो ज्यादा दिमाग नहीं लगाना पड़ेगा। तो आइए ट्रिक नंबर वन,
या टिप नंबर वन जो तुम्हें ठीक लगे। वैसे ऑडियंस को ट्रिक सुनना बड़ा अच्छा लगता है ना। आइए जरा देखिए पहली टेक्निक कि किसी भी क्वेश्चन में आपको इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन दिख जाए या किसी भी क्वेश्चन में आपको लॉग दिख जाए, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन दिख जाए या फिर क्या दिख जाए, लॉग दिख जाए, देखते ही टी पुट करो, देखते ही सब्स्टिट्यूट करो उन्हें। मतलब अगर किसी क्वेश्चन में इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन मतलब साइन इनवर्स कॉस इनवर्स टैन इनवर्स कुछ भी दिख जाए, देखते ही टी पुट कर दो, वही टी पुट होगा। लॉग दिख जाए, देखते ही टी पुट करो, वही टी पुट होगा। बस टी पुट करने से पहले आजू बाजू देख लिया करो। आजू बाजू मतलब उसके बगल में कुछ लिखा है, उसे ले सकते हैं कि नहीं ले सकते, तो वो मैं भी एग्जांपल्स आएंगे तो बताऊंगा। मतलब किसी भी क्वेश्चन में आपको ITF दिख जाए, ITF मतलब इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन दिख जाए या फिर क्या दिख जाए, लॉग, देखते ही टी पुट करेंगे आजू बाजू देख के, मतलब थोड़ा सावधानी के साथ होंगे तो यही टी पुट, बट सावधानी बरतनी है थोड़ी सी, वो भी एग्जांपल्स आएंगे दिखाऊंगा। नंबर दो, ये है बड़े कमाल की टिप, किसी भी फंक्शन के थीटा में मतलब फंक्शन में यहां पे थीटा में यहां पर कोई अनयूजुअल सा टर्म दिखे तो बस समझ जाना वही अनयूजुअल टर्म सब्स्टिट्यूट होगी। अब यहां पे फंक्शन से मेरा क्या सेंस है, फंक्शन से मेरा सेंस है वो फंक्शन ITF हो सकता है, वो फंक्शन लॉग हो सकता है, वो फंक्शन ट्रिगोनोमेट्रिक हो सकता है, वो फंक्शन एक्सपोनेंशियल हो सकता है। कहने का मतलब क्या है, जैसे एक क्वेश्चन मैंने लास्ट सेशन में कराया था, ये सोचना भी नहीं पड़ेगा, आओ ये क्या लिखा है, साइन कॉस एक्स, तो साइन के एंगल में जनरली होना क्या चाहिए था, यहां पे आपको एक्स दिखना चाहिए था, बट यहां पे एक्स तो नहीं दिख रहा, यहां पे क्या दिख रहा है, कॉस एक्स, तो ये कुछ अनयूजुअल सा हो गया ना भाई। जनरली तो साइन के थीटा में एक्स बैठा होना चाहिए था, लेकिन यहां पे कौन बैठा है, कॉस, तो ये गड़बड़ है ना। तो इसी गड़बड़ को टी पुट कर दो, और याद करो इसी को ही हमने लास्ट क्लास में टी पुट किया था, देखते ही पता लग गया आपको, ठीक है कि नहीं, याद करो एक क्वेश्चन मैंने लास्ट क्लास में आपको कराया था ये। हालांकि इसमें दो चीजें लग रही हैं, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन देखते ही टी पुट होगा तो टैन इनवर्स टी पुट होगा, या फिर ऐसे देख लो ई के पावर में जनरली क्या होता है, ई के पावर में जनरली एक्स होता है, लेकिन यहां पे क्या लिखा हुआ है, टैन इनवर्स एक्स, तो गड़बड़ है ना, एक्स होना चाहिए था, यहां पे क्या लिखा हुआ है, टैन इनवर्स एक्स, मतलब इसी गड़बड़ को ही तो ठीक करना है, इसी को सब्स्टिट्यूट करना पड़ेगा। समझ में आ गई बात, तो कभी भी किसी फंक्शन के थीटा में कोई अनयूजुअल सा टर्म दिखे तो उसी अनयूजुअल टर्म को आप सब्स्टिट्यूट कर दो। नंबर तीन, कभी भी फ्रैक्शन में फंक्शन आ जाए इस फॉर्मेट में हो, न्यूमरेटर बाय डिनोमिनेटर के फॉर्मेट में सवाल हो, तो 90-95% केसेस में नीचे वाले को टी पुट करके काम चल जाता है। मतलब कभी भी कोई फ्रैक्शन दिखे तो सबसे पहला काम क्या है, नीचे वाले का डेरिवेटिव करके देख लो कि वो ऊपर बन रहा है कि नहीं बन रहा है, बन रहा है तो मतलब सब्स्टिट्यूट हो रहा है, नहीं बन रहा तो फिर कुछ और सोचना पड़ेगा। मतलब 90-95% क्वेश्चंस में ऐसे होता है, नीचे वाले को टी रखो डेरिवेटिव ऊपर मिल जाता है, मिला तो ठीक वरना कोई बात नहीं फिर कुछ और हो रहा होगा, मतलब आपको देखते ही पता लग जाएगा फ्रैक्शन का सवाल। आइए मैं दिखाता हूं एक एग्जांपल, सेकंड्स में क्लैरिटी आ जाएगी, यार ये तो फ्रैक्शन है, फ्रैक्शन है तो फटाफट से मन में नीचे वाले का डेरिवेटिव करके देखो ना, एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x और एक्स का डेरिवेटिव कितना हो गया, वो तो ऊपर लिखा है, इसका मतलब सब्स्टिट्यूशन का सवाल है, नीचे वाले को टी रखने का डेरिवेटिव ऊपर है, काम खत्म। लेकिन सोचिए सवाल ऐसा आ जाए, नीचे वाले का डेरिवेटिव करना जरा, एक्स स्क्वायर का 2x, 4x का 4, ये तो ऊपर नहीं बन रहा, मतलब ये सब्स्टिट्यूशन का सवाल नहीं है, डायरेक्ट नहीं हो रहा, इसमें कुछ और सोचना पड़ेगा मुझे, आगे आने वाले समय में सीख जाएंगे, बट एक सेकंड में क्लैरिटी हो गई कि नहीं हो गई, देखते पता लग गया ना सब्स्टिट्यूशन नहीं है, तो इतनी जल्दी से आपका दिमाग फंक्शन करने लग जाएगा, बहुत हेल्प करेगा, चिंता ना करो। आइए अब सुनिए चौथा पॉइंट, कई बार प्रोडक्ट में फंक्शन दिया होता है ऐसा, यहां कोई फंक्शन है, यहां पे कोई पावर है इसके ऊपर, मतलब इसके ऊपर कोई पावर है, या ऐसे दे दिया, यहां कोई फंक्शन है और यहां पे रूट लगा हुआ है, तो 90-95% केसेस में इस अंदर वाले को, जो भी अंदर लिखा है पावर के अंदर, इसे टी पुट करके काम चल जाता है। 90-95% केसेस में जो भी यहां अंदर लिखा है इसको टी पुट करके काम चल जाता है। ये जो मैं 95% लिख रहा हूं ना, मतलब इसी को टी रखने का मतलब है, ये मतलब है इसका। नंबर पांच, कई बार डिवीजन ऐसी दी होती है, ऊपर कोई फंक्शन है, नीचे इसके ऊपर कोई पावर चढ़ी हुई है, या फिर ऊपर कोई फंक्शन है और यहां पर रूट लगा हुआ है,
तो अगेन 90-95% क्वेश्चन में इसे टी पुट करके काम चल जाएगा, इसे टी पुट करके काम चल जाएगा। तो ये कितना हेल्प करेगा अभी हम देखेंगे, वन बाय वन बुक के सारे क्वेश्चंस इन टेक्निक से लगाएंगे सो दैट कि हमें एकदम से क्लैरिटी आ जाए। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, अपनी कॉपी पे लिखिए और इसका लाभ उठाइए। चलिए भाई स्टार्ट करते हैं। पांचों टेक्निक्स मैं दोबारा डिस्कस कर दे रहा हूँ। कभी भी किसी क्वेश्चन में ITF या लॉग देखिए, आजू बाजू देखो, सब्स्टिट्यूट करो, बात खत्म। किसी भी फंक्शन के थीटा में कोई गड़बड़ है, कोई अनयूजुअल सा टर्म है, अनयूजुअल टर्म के मैं बड़े एग्जांपल्स दे चुका हूँ, तो उस अनयूजुअल टर्म को टी पुट कर दो, काम हो जाएगा। कभी कोई फ्रैक्शन दी हुई है, मोस्टली केसेस में नीचे वाले को टी रखने का डेरिवेटिव तैयार है। कभी प्रोडक्ट दिया हुआ है इस तरह का कि यहाँ कोई फंक्शन है और बाजू में कोई पावर है, तो मैक्सिमम केसेस में इसको टी पुट करके काम चल जाता है। या यहाँ पे कोई फंक्शन है, यहाँ पे रूट में कुछ दिया हुआ है, तो मैक्सिमम केसेस में रूट को टी रख के काम चल जाता है। सिमिलरली डिवीजन के अंदर मैक्सिमम केसेस में इसको टी रख के काम चल जाता है, इसको टी रख के काम चल जाता है। आइए देखिए काम चलाते हैं। बुक ले रखी है भाई मैंने आज हाथ में, ठीक है ना, बुक से ही मैं बहुत सारे सवाल डिस्कस कर दे रहा हूँ। देखिए भाई मैं लाइन वाइज करा रहा हूँ इसीलिए बुक ले रहा हूँ, अदरवाइज बुक तो तुम्हें पता ही है मैं यूज़ नहीं करता हूँ, बट कोई बात नहीं, पढ़ाते तो बुक से ही है ना, बिना बुक के क्या होना है। चलिए देखिए भाई 7.2 एक्सरसाइज, कुछ क्वेश्चन डबल हो जाएंगे, रिपीट में आएंगे, बट ये सब एक फ्लो में करा रहा हूँ मैं, देखते रहिए। पहला सवाल, हालांकि हमें देखते ही पता लग रहा है बट कोई बात नहीं। अब देखो ये तो डिवीजन है, मैक्सिमम केसेस में क्या करना है, नीचे वाले को टी रखना है, डेरिवेटिव ऊपर होगा, तो नीचे वाले का डेरिवेटिव क्या है भाई, 2x ऊपर बैठा है, तो नीचे वाले को टी रखेंगे, डेरिवेटिव ऊपर है, क्वेश्चन खत्म। दूसरा सवाल, लॉग एक्स का होल स्क्वायर अपॉन में एक्स, ये तो लॉग दिख गया, लॉग को टी रखने का, डेरिवेटिव नीचे बैठा है, काम खत्म। नंबर 3, भाई टी तो होगा लॉग पुट, लॉग को ही पुट करना पड़ेगा, बट आजू बाजू देख तो लो, सिंप्लीफाई भी तो करना पड़ेगा भाई, तो इसको सिंप्लीफाई कर लो, एक्स कॉमन आ गया नीचे से, चलिए लॉग एक्स को टी रखेंगे, डेरिवेटिव 1 अपॉन एक्स आ जाएगा, बट लॉग के बाजू में 1 बैठा है, 1 को भी लपेट लो, 1 0 हो जाएगा। चलिए आगे आइए, नंबर 4, ये तो अभी डिस्कस हो चुका है। साइन के थीटा में गड़बड़ है, बस इस गड़बड़ को टी पुट कर दो, काम खत्म। कॉस को टी रखोगे ये बैठा, डेरिवेटिव बाहर हो जाएगा, लास्ट सेशन में भी कराया था। अब सवाल देखिए 8वां, ये तो प्रोडक्ट है और ये रूट के अंदर है, तो मैंने क्या बोला, मैक्सिमम केसेस में इस अंदर वाले को टी पुट करके काम चल जाएगा, तो अंदर वाले का डेरिवेटिव क्या होगा, 1+2x² का डेरिवेटिव, तो 1+2x² का डेरिवेटिव होगा 4x, बट सर बाहर तो x लिखा है, कोई बात नहीं, 4 को डिवाइड फेंक दो, आंसर आ गया। आइए मैं यहां लिख देता हूं उसको, सो देयरफॉर i क्या बनेगा, 1/4 बाहर आ गया, ये बन गया रूट टी डी टी। अब रूट टी का इंटीग्रेशन तो कोई भी कर देगा ना, टी का पावर हाफ है, टी का पावर 3/2 मल्टीप्लाइड बाई 2/3 प्लस सी, सिंप्लीफाई कर देना, टी का वैल्यू डाल देना, आराम से हो जाएगा। आइए आगे बढ़ते हैं, ये मैं रब कर दे रहा हूं, मैक्सिमम नंबर ऑफ क्वेश्चंस डिस्कस कर देंगे आपके साथ आज। देखिए भाई इसके बाद आया क्वेश्चन नंबर 9th, लास्ट सेशन में मैक्सिमम क्वेश्चंस करा चुका हूं मैं। चलिए भाई प्रोडक्ट है तो मैंने क्या बताया था, इसको टी रख के देखो, अंदर वाले का डेरिवेटिव क्या होता है, 2x+1, बट बाहर तो 4x+2 बैठा है, तो 2 बाहर निकालो ना, यहां से 2 बाहर निकालो, ये लास्ट क्लास में भी कराया था भाई। इसको टी रखने का डेरिवेटिव बाजू में बैठा है। इसके बाद आया क्वेश्चन नंबर 13, देखिए जो जो क्वेश्चंस करा रहा हूं वही करने हैं अभी फिलहाल, बाकी आप ट्राई करते रहिएगा। अब मैं नहीं बोलूंगा, 1-2-3 सेकंड सोच लो किसको सब्स्टिट्यूट करेंगे, जो टेक्निक बताई उन टेक्निक्स को इस्तेमाल करो, आपको तुरंत जवाब मिलेगा, देखिए कितनी क्लैरिटी आएगी। मैंने आपको क्या बताया, डिवीजन है ये पावर के अंदर वाले को, इसको टी रख के देखो, 2 का डेरिवेटिव 0, 3x³ का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, 9x², लेकिन ऊपर तो x² है, तो 9 डिवाइड में आ जाएगा, तो इसको टी रखने का डेरिवेटिव ऊपर है, कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 14, ये तो डिस्कस भी नहीं करना चाहिए मुझे, मतलब मैं क्या बताऊं इसके बारे में, करते रहना घर बैठ के। क्वेश्चन नंबर 15,
फरमाइए। अरे फ्रैक्शन है, सबसे पहले नीचे वाले को उठी रख के दिखा करो, नीचे वाले का डेरिवेटिव कितना होता है, माइनस एट एक्स, ऊपर कौन बैठा है, एक्स हो गया माइनस एट, डिवाइड में आ जाएगा, करते रहना घर बैठ के आराम से। क्वेश्चन नंबर 17, ये है बढ़िया सवाल। पहचानिए, मैं पहचानवाता हूँ, e के पावर में गड़बड़ है, e के पावर में क्या होना चाहिए जनरली, x, लेकिन यहाँ कौन बैठा है, x स्क्वायर, मतलब अनयूजुअल सा टर्म है ना, e के पावर में तो x दिखना चाहिए, ये तो x स्क्वायर दिख रहा है, इसका मतलब इसी x स्क्वायर को सब्स्टिट्यूट करना पड़ेगा। तो आप पुट करेंगे x स्क्वायर को t, x स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x dx is dt, यहाँ आ जाओ, सो x dx is dt by 2, तो देखो therefore i क्या बना, x dx को तो dt by 2 लिख दिया, 1 by 2 बाहर, dt अंदर, और यहाँ क्या रह गया, 1 upon e का पावर t। अब कुछ महान लोग इसको log लिख देंगे, कुछ लोग इसका आंसर log ले लेंगे, भाई log नहीं होगा इसका आंसर, log तब होता जब नीचे 1 upon t होता, बट ये 1 upon e का पावर t है, तो इसको कैसे करेंगे, इसको ऊपर लेके चलो, तो दिस इज e का पावर माइनस t dt, e का पावर माइनस t का इंटीग्रेशन, e का पावर माइनस t, और x का कोफिशियंट ना भूल जाना, बहुत दिनों से इस्तेमाल नहीं हुआ, भूल जाओगे, यहाँ पे t का कोफिशियंट कितना है, माइनस वन, माइनस वन से डिवाइड भी करना पड़ेगा, सो माइनस टू हो जाएगा नीचे, क्योंकि टू बाहर लिखा हुआ है, टी का वैल्यू पुट करिए, काम खत्म। अभी सीबीएसई बोर्ड 2023 दिल्ली में, एक मार्क का सवाल, देखो भाई समझदार को ना इशारा काफी होता है, अब या तो आप समझदार नहीं हो या फिर आपको इशारा नहीं समझ में आ रहा, देख लो कैसे करेंगे, सोचते रहो भाई, बता दिया मैंने सब, देख लीजिए किया जा सकता है आराम से, ठीक है, तो मैं लेफ्ट से रब कर रहा हूं सारा, और देखते हैं भाई, सेवन पॉइंट टू, क्वेश्चन 17 तक डिस्कस हो चुका है, 18वां बता ही दिया है मैंने, बट लिख रहा हूं बोर्ड पे, जो जो हो जा रहे हैं देखते रहिए, बताने की जरूरत ही नहीं है, टैन इनवर्स टी पुट होगा, देखते ही पता लग जाता है, टैन इनवर्स को टी पुट करना है खत्म, दो दो बातें लग रही हैं इसमें, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है टी पुट होगा, या फिर ई के पावर में गड़बड़ है वो पुट होगा, देखते रहिएगा। इसके बाद हम देखेंगे सीधा क्वेश्चन नंबर 23, इसके बारे में बात करने की आवश्यकता ही नहीं है, तो हम करेंगे ही नहीं। उसके बाद आया क्वेश्चन नंबर 25, करा चुका हूं बट कोई बात नहीं, दिस इज वन, ये वन बाय कॉस क्या हो जाएगा, सेक स्क्वायर एक्स, हालांकि टैन और सेक्स स्क्वायर पे इतने क्वेश्चन कर लिए कि टैन तो एकदम देखते ही पता लग जाता है कि टैन को टी रखना है, लेकिन जो भी मैंने टेक्निक बताई ये एक तरह का डिवीजन है, तो इसको ही टी रखना पड़ेगा आपको, वन माइनस टैन को टी रखो, डेरिवेटिव ऊपर बैठा, काम खत्म, करते रहिएगा। 26वां सवाल, अब आप खुद अपने अंदर झांक के देखो कि कैसे करेंगे इसको, क्या टेक्निक बताइए, कॉस के थीटा में गड़बड़ है, यहाँ पे क्या होना चाहिए था कॉस एक्स, बट यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, रूट एक्स, तो रूट एक्स को टी रखो, डेरिवेटिव नीचे बैठा है, हो गया काम, कर लेना। क्वेश्चन नंबर 27 देखो, देख लो भाई क्या करना है, आपको पता लग रहा है क्या करना है, मैंने क्या बताया, प्रोडक्ट है रूट के अंदर वाले को टी रख के देख लो, रूट के अंदर कौन है, साइन टू एक्स, साइन टू एक्स का डेरिवेटिव कॉस टू एक्स, फिर एक टू मल्टीप्लाई में आएगा, उसको डिवाइड फेंक देना, हो जाएगा, कर लेना, मैं क्या कह रहा हूँ काफी लोग समझ पा रहे होंगे। क्वेश्चन नंबर 28, डू योर सेल्फ। क्वेश्चन नंबर 29, हमने आज ही करा है, सोच के किया था ना, आज बिना सोचे कर लेंगे, लॉग को देखते ही टी पुट करना है, अब अकेले लॉग को थोड़ी कर लोगे, लॉग के बाजू में साइन एक्स है, लॉग साइन एक्स है ना, तो लॉग साइन एक्स को टी रखो, डेरिवेटिव ये बैठा कॉट एक्स, करते रहना। 29, 30 कर लेना लिख नहीं रहा हूँ, 31 कर लेना लिख नहीं रहे हैं, 35 दिखा देते हैं, कर लेना। हाँ भाई लॉग को देखते ही टी पुट करना होता है, तो लॉग के बाजू में वन है, वन को भी लपेट लो, तो ऊपर वाले को टी रखो, डेरिवेटिव नीचे लिखा हुआ है,
ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 36 37 दोनों करेंगे। क्वेश्चन नंबर 36 37 दोनों सवाल करेंगे। देखिए सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 37 कराता हूं 7.2 से। इतनी बातें बता दी हैं, कुछ बताने की भी जरूरत नहीं है, देखते ही हो जाएगा। बताइए भाई किसको सब्स्टिट्यूट करना चाहिए, सोच लीजिए आप लोग क्या सब्स्टिट्यूट होना चाहिए। दो बातें लग रही हैं इस क्वेश्चन के अंदर, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन दे दिया तो देखते टी पुट होगा, यही टी पुट करना, और किसे टी पुट करोगे, इनवर्स दे तो रखा है यहाँ पे, या साइन के थीटा में गड़बड़ है तो गड़बड़ को टी पुट कर लो। भाई साइन के थीटा में गड़बड़ है ना, यहाँ पे साइन एक्स होना चाहिए था बट यहाँ पे टेन इनवर्स समथिंग लिखा हुआ, तो इसी को ही टी पुट करना पड़ेगा, इसे टी पुट करो काम हो गया। आइए देखिए पुट कर लेते हैं टैन इनवर्स एक्स का पावर 4 को टी, ये टैन इनवर्स एक्स लिखा है, डेरिवेटिव 1/1 प्लस एक्स 4 का होल स्क्वायर। फिर आपको एक्स का पावर 4 का भी तो डेरिवेटिव करना पड़ेगा, एक्स का पावर 4 का डेरिवेटिव हो गया 4x³ dx is dt, तो 4 तो चाहिए नहीं मुझे, 4 मैं नीचे फेंक देता हूँ, तो ऊपर आ गया एक्स क्यूब, नीचे आ गया 1 प्लस एक्स 8 dx is dt। तो देखिए एक्स क्यूब 1 प्लस एक्स 8 dx, ये पूरा का पूरा टर्म हटके कितना हो गया dt, तो देखो i क्या बना मेरा dt by 4, सॉरी ये 4 भी तो नीचे आएगा ना, तो एक्स क्यूब अपॉन 1 प्लस एक्स 8 इंटू dx की जगह मैं dt by 4 लिख सकता हूँ, dt 1 बाय 4 बाहर और साइन एंगल बन चुका था t, अब ये साइन t है और साइन t का इंटीग्रेशन हो गया माइनस कॉस t अपॉन में 4 ऑलरेडी है प्लस में से, t का वैल्यू डालिए काम खत्म। क्वेश्चन नंबर 36, क्वेश्चन 36 है हमारा, x प्लस 1 x प्लस log x का होल स्क्वायर अपॉन x dx, लॉग दिख गया टी पुट होना ही होना है, बट उसके आजू बाजू भी तो देख लो ना, ये दोनों साथ में है ना, तो ये से बोलेगा ना कि भाई तू टी हो जाएगा तू मुझे छोड़ रहा है, तो इसको भी साथ में लेना ही पड़ेगा। आप सोचो ना ये लॉग एक्स है तो ये एक्स वाला टर्म तो टी बन जाएगा, फिर ये एक्स तो एक्स में रह जाएगा, अब ये लॉग के बाजू में साथ में ही तो है ना एक्स, तो ये एक्स से बोलेगा नहीं कि भाई तू तो टी हो गया मेरा क्या, तो इसे भी ले लो, मजबूरी है लेना पड़ेगा, आजू बाजू में लेना ही पड़ता है, वो कहते हैं ना मोहल्ले पड़ोस की शर्म करनी पड़ती है, हालांकि बेकार की बात है बट कोई बात नहीं, ले लो भाई क्या करें, पुट x प्लस log x is t, x का डेरिवेटिव 1, log x का 1 बाय x, dx is dt, इसका एलसीएम ले लो भाई, x प्लस 1 अपॉन x dx is dt, इसका क्या बेनिफिट हुआ, बेनिफिट ही बेनिफिट है, x प्लस 1 अपॉन x dx, ये पूरा टर्म हट गया, चेक करो, तो इस पूरे टर्म की जगह तो आप dt लिख दोगे एंड दिस थिंग इज t स्क्वायर और आंसर इज नथिंग बट t क्यूब बाय 3 प्लस में c, तो इस तरीके से इसको टैकल किया जा सकता है, बहुत आसान है, बहुत आराम से बनेगा। एक सवाल और देखिए 7.3 एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर 24 था आई गेस, इतना ही होना चाहिए, बच्चा सोचता रह जाए कैसे करे, देख के घबरा जाए, बट हमने तो टेक्निक बता दी आपको, आप देखिए ना कॉस के एंगल में गड़बड़ है भाई, यहाँ पे कॉस एक्स होना चाहिए था बट यहाँ पे क्या लिखा हुआ है एक्स ई एक्स, तो इसी को सब्स्टिट्यूट करना पड़ेगा, तो करिए पुट एक्स ई का पावर एक्स इज टी, डेरिवेटिव कीजिए एक्स एज इट, प्रोडक्ट रूल लगेगा ना भाई, एक्स एज इट इज ई एक्स का डेरिवेटिव ई एक्स प्लस ई एक्स एज इट इज एक्स का डेरिवेटिव 1 डी एक्स इज डी टी, यहाँ से ई एक्स आप कॉमन निकाल लो, तो एक्स प्लस 1 डी एक्स इज डी टी, देयरफॉर आई क्या बना, देखिए ऊपर वाली पूरी टर्म मिल गई अपने को, e का पावर x, x प्लस 1 dx, ये तो dt हो गया, और नीचे क्या लिखा हुआ है cos स्क्वायर t, और ये तो 1 अपॉन cos स्क्वायर है और 1 अपॉन cos स्क्वायर होता है आपका sec स्क्वायर t प्लस में c, t का वैल्यू डालिए, सॉरी सॉरी एक मिनट रुकिए 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 गड़बड़ हो गई यहाँ पे, 1 अपॉन cos स्क्वायर हो गया sec स्क्वायर t dt, अब sec स्क्वायर का आपको इंटीग्रेशन करना है, sec स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या होगा,
टेन टी प्लस में सी, इस तरीके से कर सकते हैं। तो आप देखिए हमारी 90% से ज्यादा तो 7.2 खत्म हो चुकी है और लगभग सारी ही 7.3 खत्म हो चुकी है। तो जो नेक्स्ट सेशन होगा, नेक्स्ट लेक्चर में मैं बचे हुए क्वेश्चन कराऊंगा आपको, 7.2 के सारे वाइंड अप करा देंगे और जितने क्वेश्चंस हमारे 7.3 के बच जाएंगे, कुछ ऐसे क्वेश्चंस मिसलेनियस में पड़े होंगे, तो वो सारा निपटा डालेंगे। तो अगले सेशन में ये करके, तो मेरे ख्याल से आज हम 8th लेक्चर में हैं, 9th लेक्चर, 9th लेक्चर तक ख़त्म करके 10th लेक्चर से फिर हम वो स्टार्ट करेंगे आपका परफेक्ट स्क्वायर वाला पार्ट। तो बढ़िया से करेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। तो भाई अभी के लिए फिर इतना ही, मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट टाइम। अगर कोई परेशानी कोई समस्या तो प्लीज़ बताइएगा, तो ट्राई कर लीजिएगा भाई इनको। मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट टाइम, टिल देन गुड बाय, गॉड ब्लेस यू ऑल।